ये कहानी तकरीबन 6 महीने पहले की है। मैं सुबह सोकर उठा था, हमारे कॉलेज का आखिरी दिन था, उसके बाद छुट्टियां होने वाली थी। लेकिन उस दिन सुबह सुबह मुझे न जाने क्यों सब कुछ अजीब सा लग रहा था, मेरा कॉलेज जाने का भी मन नहीं था। उसी वक्त दीपक का फोन आ गया। हाँ दीपक, बोल। हाँ भाई, क्या कर रहा है, कॉलेज आ रहा है या नहीं? यार कॉलेज जाने का मन तो नहीं है मेरा, तू बता। अरे यार आज तो कॉलेज जाना होगा, कॉलेज में मिल, आज जरूरी है, आज तो कॉलेज जाना बिल्कुल जरूरी है, रोहन भी आ रहा है। चल कॉलेज पहुंच जा, मैं वहीं मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। दीपक का फोन रखने के बाद मैंने नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गया। जब मेरी क्लास खत्म हो गई तो मैं, रोहन और दीपक, हम एक साथ कॉलेज के नीचे हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। दोस्तों अब तो छुट्टियां हो गई हैं, तो ये बताओ चलना कहाँ है? वैसे मैंने पहले ही कहा था मेरे दादाजी के घर चलो, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वहीं चलते हैं। हाँ मैं भी तैयार हूँ, शाम को निकलेंगे, ठीक है? हम बैठकर यही सब बातें कर रहे थे तभी अचानक हमें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। दोस्तों लगता है कोई आ रहा है, शायद कोई टीचर होगा, हमें छिप जाना चाहिए। ठीक है फटाफट छिप जाते हैं। हम तीनों अलग अलग जगह देखकर छिप गए। मैं एक अलमारी के पीछे छिपा हुआ था, तभी अचानक मैंने देखा कि हॉल के अंदर एक आदमी आया। उसने एक अजीब सा मास्क लगाया हुआ था, वो बड़ा ही अजीब लग रहा था, वो ना जाने क्या ढूंढ रहा था। एक लगातार वो इधर उधर जा रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो वहां से चला गया, तब हम बाहर निकले। दीपक तूने उस आदमी को देखा? वो बड़ा ही अजीब था, मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई टीचर था। हाँ यार पता नहीं कौन था, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया आदमी था, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। जाने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, होगा कोई। हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और याद रखना शाम को हमें मेरे दादाजी के घर निकलना है, इसलिए टाइम पर मिलना। ठीक है। ये सारी बातें करके हम अपने अपने घर चले गए। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे उस दिन कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में कॉलेज के हॉल में दिखा वो आदमी बार बार घूम रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई, तभी अचानक रोहन और दीपक गाड़ी लेकर मेरे घर पर आ गए। हाँ राहुल तैयार है, हम निकल रहे हैं, टाइम हो गया है, चल। हाँ ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने अपना कुछ सामान लिया और उनके साथ दादाजी के घर के लिए निकल गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो रात हो चुकी थी, तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। हम दरवाजे के पास पहुँचे तभी रोहन ने कहा, दोस्तों मेरे पास चाबी है, इसलिए हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना, चलो अंदर चलते हैं। रोहन ने दरवाज़ा खोला और हम घर के अंदर चले गए। वहाँ सब कुछ थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन अच्छी बात थी, हम वहाँ 3-4 दिन रुकने वाले थे। थोड़ी देर के बाद दीपक ने कहा, यार मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ से खाएंगे, कुछ सोचा है इस बारे में? उसकी टेंशन मत ले, खाने का जुगाड़ हो जाएगा। मेरे डैड ने बताया था, पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, हमें उनके घर जाना होगा, वो हमें खाना देंगे। ठीक है तो चलो खाना लेकर आते हैं। ठीक है तुम लोग जाओ, लेकिन ज़्यादा वक्त मत लगाना। ठीक है तू परेशान मत हो, हम जल्दी आते हैं। ये सारी बातें कहकर वो दोनों घर से बाहर चले गए और मैं उस घर में अकेला था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और देखते ही देखते तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया। हाँ दीपक बोल। भाई हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, हो सकता है हम सुबह आएंगे, ये अंकल हमें जाने नहीं दे रहे। तो एक काम कर, गाड़ी में कुछ खाने का सामान होगा तू लेकर खा ले। यार तुम लोगों को सोच समझ कर जाना चाहिए था, मैं यहाँ अकेला हूँ और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं आसपास, अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या करूँगा? कोई दिक्कत नहीं होगी, तू आराम से सो जाना, हम सुबह मिलते हैं।
चल ठीक है, कोई बात नहीं है। उस रात मैं उस घर के अलग अलग कमरों में गया। मैं हर कमरे को देख रहा था क्योंकि मुझे सोने के लिए एक अच्छा कमरा चाहिए था, और ऊपर जाने के बाद मुझे एक ठीक ठाक कमरा मिल गया। मैंने सोचा ये बढ़िया है, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं चुपचाप जाकर वहां लेट गया। थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बज रहे थे, मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उतर कर नीचे गया और इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। मैं वापस ऊपर गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नीचे जाऊं या नहीं। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 1 बज रहे थे। मुझे घबराहट हो रही थी, तभी अचानक मुझे सामान गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ और भी ज़्यादा डरावनी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने दीपक को फ़ोन किया। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं चुपचाप खड़ा हुआ था, तभी अचानक मुझे ज़ोर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गया था। मैं कमरे से बाहर निकलकर नीचे गया। मैंने ज़ोर से कहा, कौन है घर में, जवाब दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि मुझे अपने कमरे में जाकर अपना कमरा बंद कर लेना चाहिए। फिर मुझे लगा कि एक बार चेक कर लेता हूँ कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई। मैं किचन में गया और मैंने देखा कि वहाँ पर एक रेडियो जैसा कुछ रखा हुआ था। मैं उसके करीब गया, तभी उसमें से उस औरत के हंसने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। मुझे शक हुआ कि शायद इस घर में कोई चोर है। मैंने अपना दिमाग लगाया। मैंने बाहर का दरवाज़ा खोल दिया और ज़ोर से चिल्लाकर कहा, देखो मेरे पास गन है और तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप दरवाजे से बाहर चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम कोई भूत नहीं हो। मेरे पास गन है, मैंने पहले भी कहा था, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। मैंने बाहर का दरवाज़ा खोल दिया है, मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, तुम बाहर चले जाना। ये सब कहकर मुझे घबराहट हो रही थी। मैं जल्दी से दौड़कर ऊपर चला गया क्योंकि मेरे पास कोई गन नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने इतना सब कुछ बोल तो दिया है, पता नहीं क्या होगा। कुछ देर के बाद मैं कमरे में ही था और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला था और कोई बाहर गया है, जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद हुआ। मैं वापस नीचे गया और मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। एक पल मुझे लगा कि शायद वो बाहर चला गया, और अगले ही पल मुझे ऐसा भी लग रहा था कहीं वो अंदर तो नहीं है। काफ़ी देर तक किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं चुपचाप सो गया था और सुबह दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला, वो दीपक और रोहन थे। मैंने उनसे कहा, तुम लोग जानते नहीं कल रात क्या हुआ। मैंने उन्हें पूरा किस्सा बताया और उन्होंने कहा, तुमने सही दिमाग लगाया, ये काम कर गया, लेकिन ज़रा सोचो अगर ये काम नहीं करता तो क्या होता। मैंने कहा, जो होता वो उस वक्त मुझे खुद देखना होता, क्योंकि तुम दोनों नहीं थे। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।